प्यारे बच्चों, मैं आशीष अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूँ विद्या क्लासेस में। बच्चों, आज हम 11th क्लास की फिजिक्स में चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं, ठीक है। और बच्चों, ये जो आपका चैप्टर नंबर 6 है, आज इसका जो बच्चों लेक्चर होने वाला है, इस चैप्टर का लेक्चर नंबर ये 3 रहेगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों, इसमें हम बच्चों पढ़ चुके थे, आपका याद आ रहा हूँ, हम बलागुन के बारे में बात कर चुके थे, जड़त्वागुन के बारे में बात कर चुके थे। तो चलिए बच्चों, अब हम बात करेंगे यहाँ पे कोणीय संवेग के बारे में, कि कोणीय संवेग क्या होता है, कि जब भी कोई वस्तु किसी अक्ष के प्रति गति करती है तो उस अक्ष के प्रति है। चूंकि हम जानते हैं कि जो पहले सबसे पहले तो आप जानेंगे कि रेखीय संवेग क्या होता है, रेखीय संवेग। तो किसी वस्तु का जो रेखीय संवेग होता है, उसको एक तो P से दिखाते हैं, उस वस्तु का द्रव्यमान तथा उस वस्तु के रेखीय वेग के गुणनफल के बराबर होता है किसी वस्तु का रेखीय संवेग, ठीक है। ये बात बच्चों हम जानते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली कोणीय संवेग जो होगा बच्चों क्या होता है, कि जिस प्रकार हम जानते हैं कि बलागुन बल का घूर्णी समतुल्य है, ठीक उसी प्रकार कोणीय संवेग रेखीय संवेग का घूर्णी समतुल्य है। अर्थात किसी कण का रेखीय संवेग उसके स्थानांतरणीय गति की मात्रा को व्यक्त करता है, इसी प्रकार किसी कण का कोणीय संवेग उसकी घूर्णी गति की मात्रा को बच्चों व्यक्त करता है, ठीक है। तो गतिमान एकल कण का जो कोणीय संवेग होगा वो किस प्रकार होगा, तो कोणीय गति का जो एकल कण का जो बच्चों कोणीय संवेग होगा उसको दिखाते हैं। तो हम जे से इसको रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर, और जे बराबर आपका होता है कि बच्चों कि किसी भी पिंड का किसी घूर्णन अक्ष के प्रति रेखीय संवेग, है ना। यहाँ हम यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों आपका कि रेखीय संवेग तथा घूर्णन अक्ष से दूरी, घूर्णन अक्ष से दूरी यानी कि आर के बच्चों गुणनफल के बराबर होता है किसी वस्तु का यहाँ पर कोणीय संवेग, ठीक है। अब यहाँ पर अगर कोणीय संवेग आपको बच्चों ये बात समझ में आ गई हो, तो यहाँ से जब इसको देखते हैं कि इसका मात्रक कितना बनेगा यहाँ पे, तो उसका मात्रक बन जाता है बच्चों, चूंकि हम जानते हैं कि जो पी होता है वो पी बराबर होता है एम वी, है ना। तो पहले तो एक काम करते हैं, इसको हम एक काम करते हैं, मात्रक अभी निकालेंगे बाद में, पहले एक चीज देख लेते हैं यहाँ से कि जब हम इसको देखेंगे पी बराबर आपका जानते हैं कि पी बराबर आपका होता है बच्चों एम वी, है ना, रेखीय संवेग जो होता है बच्चों आपका। तो पी बराबर लिख देंगे यहाँ पे एम वी इंटू में आर चला जाएगा, ठीक है। अब जैसे इसको देखते हैं यहाँ पे, तो आपका बन जाएगा जे बराबर एम वी आर बन जाएगा, ठीक। अब इस बच्चों इसका अगर यहाँ पे देखें मात्रक क्या बन जाता है, तो मात्रक बन जाएगा इसका, एम का मात्रक बच्चों किलोग्राम हो जाएगा, वेग का मात्रक मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है, और आर दूरी, दूरी का मात्रक मीटर हो जाएगा। तो इसका मात्रक बन जाएगा बच्चों आपका, मात्रक बन जाएगा बच्चों आपका इसका किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक। इसकी वीमा अगर बच्चों देखें तो वीमा कितनी बन जाएगी इसकी, किलोग्राम की मीटर आ जाएगी, सॉरी एम आ जाएगी, मीटर की यहाँ पे एल आ जाएगी, लेकिन स्क्वायर आएगा तो L2 हो जाएगा, अपॉन में टी चला जाएगा, ठीक है। और सॉल्व कर लें बच्चों से, तो बन जाएगा आपका ML2T^-K1। तो ये बच्चों इसकी वीमा निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हम कोणीय संवेग को देख सकते हैं कि कोणीय संवेग क्या होगा बच्चों, किसी पिंड या किसी भी कण का जो कोणीय संवेग होगा घूर्णन अक्ष के प्रति रेखीय संवेग यानी कि P और उसकी घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी यानी कि R के गुणनफल के बच्चों बराबर होता है, ठीक है। अब अगर ये बात यहाँ पे क्लियर हो गई है बच्चों, तो आगे चल लेते हैं। जैसे अगर यहाँ पे बात करें कि किसी पिंड का, यहाँ पे हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कोणीय संवेग क्या होगा यहाँ पे। तो अभी हमने यहाँ दिखा दिया है कि किसी पिंड का किसी अक्ष के प्रति जो कोणीय संवेग होगा उसी अक्ष के प्रति पिंड में उपस्थित सभी कणों के रेखीय संवेग के आघूर्णनों के योग के बच्चों बराबर होता है, ठीक है। तो मान लीजिए जैसे हमने देख लिया कि मानो कोई पिंड आपका जिसमें M1 M2 M3 कण होंगे आपके, और अन्य कणों के घूर्णन अक्ष से जो दूरियां बच्चों आपकी हैं R1 R2 R3 हैं, ठीक है। उन पिंडों का बच्चों कोणीय वेग जो आपका होगा ओमेगा, घूर्णन अक्ष के प्रति सभी कणों का कोणीय वेग आपका ओमेगा समान रहेगा, इसलिए लिखा है घूर्णन अक्ष के प्रति कोणीय वेग कोणीय सॉरी घूर्णन अक्ष के प्रति घूर्णन गति कर रहा है, ठीक है। पिंड के विभिन्न कण भिन्न 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 त्रिज्याओं के वृत्तीय पथों पर भिन्न भिन्न रेखीय वेग से गति करते हैं, जबकि सभी कणों का बच्चों कोणीय वेग आपका समान रहेगा। तो मान लेते हैं कि पहले वाले कण के लिए जो आपका रेखीय वेग होगा बच्चों आपका वो V1 बराबर आपका हो जाएगा R1 ओमेगा, ठीक है। इस प्रकार जो रेखीय संवेग होगा आपका P1 बराबर M1 V1 हो जाएगा, M1 ऐसे रहेगा, V1 की वैल्यू यहाँ रखेंगे R1 ओमेगा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों हम यहाँ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप देख लेंगे बच्चों यहाँ पे कि जब इसकी वैल्यू को यहाँ पे फाइंड करेंगे, है ना,
तो जब इसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे यहाँ पे, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि कोणीय संवेग जो आपका होगा निकल के यहाँ पे आएगा, तो वो क्या निकल कर आएगा बच्चों यहाँ पे, कोणीय संवेग जड़ता हूँ, तो M1 का अगर बच्चों हम पूरे पिंड के लिए बात करते हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ पे देख लेंगे यहाँ इस तरीके से कि जैसे आपका यह है M1 कण का घूर्णन अक्ष के प्रीत है, रेखीय संवेग का घूर्णन अक्ष के प्रीत है आघूर्ण, है ना। तो आपका निकल के बच्चों यहाँ पे जाएगा क्या, निकल के जाएगा पूरे पिंड का निकालें तो ये आपका P1 आ गया, है ना। और P2 बराबर आपका निकल के बच्चों आपका क्या जाएगा, M2 R2 ओमेगा आ जाएगा। P3 बराबर आपका जाएगा M3 R3 ओमेगा आ जाएगा, ठीक है। तो उस तरीके से बच्चों यहाँ पे करके इस वैल्यू को फाइंड कर लिया जाएगा, ठीक है। और अगर आघूर्ण के बारे में बात करते हैं तो एक काम कर लेते हैं, अगर आघूर्ण निकालना चाह रहे हैं आप यहाँ पे, तो M1 द्रव्यमान के कण के रेखीय संवेग का घूर्णन अक्ष के प्रीत आघूर्ण। तो आघूर्ण क्या निकलता है बच्चों आपका, हम जानते हैं कि जो आपका आघूर्ण निकलता है वो टो निकलता है, टो पर आपका होता है बच्चों F×R निकल के आता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको आगे कर लिया जाएगा, ठीक। अब आगे देख लेते हैं बच्चों यहाँ पे, जैसे आपका आता है बच्चों कोणीय संवेग, है ना, कोणीय संवेग तथा बलाघूर्ण में संबंध, ठीक है। अब कोणीय संवेग बलाघूर्ण में संबंध बच्चों क्या आपका जाता है यहाँ पे, हम जानते हैं जैसे आपका निकल के आ जाता है यहाँ पे J=I ओमेगा। तो एक काम करते हैं बच्चों, पहले आप इसको पढ़ लेते हैं यहाँ पे, पहले हम इसको देखेंगे, ठीक है। तो जैसे आपका ये कहता है कि कोणीय संवेग तथा जड़ताघूर्ण में संबंध निकालना है, तो हमने बच्चों कंसिडर कर लिया यहाँ पे कि माना हमारे पास में एक पिंड है, ठीक है, माना हमारे पास में एक पिंड है जो ए बी अक्ष के प्रीत है, घूर्णन गति कर रहा है, जिसके दरमियान बच्चों M1 M2 M3 रोटेट M n होंगे, इनके रेखीय वेग बच्चों आपके V1 R1 ओमेगा, चूंकि ओमेगा यहाँ पर क्या होगा, सभी कणों का कोणीय वेग बच्चों आपका समान रहेगा, ठीक है। पहले कणों के दूसरे कणों के इस तरीके से निकालें तो लंबवत दूरी अगर निकल के आ जाती है तो बच्चों आप निकाल लेंगे किसी पिंड का कोणीय संवेग जो होगा आपका, एक तरीके से बच्चों हम यहाँ पर कह सकते हैं, एक तरीके से बच्चों हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो आपका निकल कर आएगा यहाँ पे कोणीय संवेग, कोणीय संवेग यानी कि जो जे निकल कर आएगा, J1 बराबर होगा P1×R1। हम जानते हैं बच्चों कि जो पी होता है आपका वो होता है आपका MV, ठीक है, पहले कण के लिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, J1 बराबर आपका M1V1×R1 आ जाएगा, ठीक है। और बच्चों फिर आप जानते हैं कि जो V होता है बच्चों आपका वो होता है R ओमेगा। ओमेगा क्या है, कोणीय वेग, कोणीय वेग प्रत्येक कण के लिए समान रहेगा। तो क्या आएगा, J1 बराबर आपका M1×R1 ओमेगा ऐसे रहेगा, × R1 आ जाएगा। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा M1R1 का स्क्वायर ओमेगा आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से चलता रहेगा। तो ये पहले कण के लिए आ गया, ठीक है। जब ये पहले कण के लिए आ गया बच्चों, तो हम आगे लिखेंगे इसी प्रकार, इसी प्रकार अन्य कणों के लिए। अब अन्य कणों के लिए जब बात करते हैं बच्चों, तो हम यहां बात कर लेंगे आपसे अन्य कणों के लिए जब बात करें, तो यहाँ पे आपका जाएगा J2 बराबर जाएगा बच्चों यहाँ पे M2 R2 का स्क्वायर ओमेगा चला जाएगा, फिर J3 M3 R3 का स्क्वायर ओमेगा चला जाएगा, डॉट डॉट आगे तक जाएंगे बच्चों इस तरीके से। तो हम यहाँ पे लास्ट वाले एन के लिए कर सकते हैं, JN बराबर जाएगा बच्चों MN RN का स्क्वायर ओमेगा, ठीक है। और फिर बच्चों हम जब बात करेंगे पूरे पिंड के लिए, है ना, पूरे पिंड के लिए जब बच्चों बात करेंगे यहाँ पे, तो आप कह सकते हैं यहाँ पे पूरे पिंड के लिए, जब पूरे पिंड के लिए बच्चों हम यहाँ पर बात करेंगे, तो आपका जाएगा J बराबर आपका सभी को, जो आपके अलग अलग कोणीय संवेग आए थे सभी को बच्चों जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। इस तरीके से जब हम यहाँ पर देखेंगे तो उनकी वैल्यू को बच्चों यहाँ पर पुट किया जाएगा, तो आपका निकल कर आएगा M1 R1 का स्क्वायर ओमेगा प्लस K M2 R2 का स्क्वायर ओमेगा प्लस डॉट डॉट MN RN का स्क्वायर ओमेगा, ठीक है। यहाँ से अगर देख लेते हैं बच्चों, तो आपका जाएगा M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 MN
आर एन का स्क्वायर, और बच्चों यहाँ से ओमेगा आपका आ जाएगा कॉमन, ठीक है। इसको बच्चों क्या लिख लिया जाएगा, इसको यहाँ पर हम लिख लेंगे, यहाँ पर जे बराबर आपका आ जाएगा सिग्मा एम आर स्क्वायर, ठीक है, इंटू में ओमेगा, ठीक। तो उसको क्या लिख लेंगे यहाँ पे, आई ओमेगा, ठीक है। तो उस तरीके से आपका बच्चों यहाँ पर संबंध निकल के जाता है कोणीय संवेग तथा कोणीय संवेग यानी जे और आई यानी कि जड़ता होने संबंध, ठीक है। तो आपको याद रखना जे बराबर आपका बच्चों हो जाता है आई ओमेगा, ठीक है, कोई दिक्कत किसी तरीके से। चलिए अगर यहाँ पे कोई दिक्कत आपकी नहीं आ रही बच्चों, तो अब एक बार यहाँ ध्यान देंगे आप कि जैसे आपका ये वाला जो हेडिंग था यहाँ पर आपका, ठीक है, कोणीय संवेग तथा बलागुण में संबंध, तो उसको किस तरीके से निकालते हैं। तुमने मान लिया कि माना कोई भी वस्तु अगर आपके पास में है, जब वो किसी भी अक्ष के प्रति गति करती है, तो उस वो एक तो कोणीय वेग होगा, ठीक है। तो देखिए माना कोई पिंड किसी अक्ष के प्रति बच्चों ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन गति कर रहा है, इस अक्ष के प्रति बच्चों उसका जो जड़ता कोण होगा आई होगा, तब आप यहाँ पर देख लेंगे जब आपकी वैल्यू होगी जे की, जे पर आई ओमेगा भी हमने दिखा दिया, ठीक है। अब अगर आपने दिखा दिया तो उसका टी के रेस्पेक्ट में बच्चों अवकलन कर देंगे, टी के रेस्पेक्ट में आपने इसका अवकलन कर दिया, ठीक है। जैसे आपने अवकलन किया इसका, तो डी जे अपॉन डी टी बराबर आपका बन जाएगा बच्चों आई डी ओमेगा अपॉन डी टी। और बच्चों हम जानते हैं कि जो डी ओमेगा अपॉन डी टी होता है उसको अल्फा कहते हैं, तो देन आप इसकी जगह यहाँ पर, इसकी जगह बच्चों यहाँ पर आप अल्फा रख देंगे, तो डी जे अपॉन डी टी बराबर आ जाएगा बच्चों आई अल्फा, ठीक है, आई अल्फा आ जाएगा। और अगर आपके याद आ रहा हो बच्चों, तो हम इसको जानते हैं कि आई अल्फा जो होता है आपका, ठीक है, आई अल्फा क्या निकल कर आएगा बच्चों यहाँ पे, आई अल्फा जो होता है बच्चों वो टो होता है, ठीक है। तो आई अल्फा की जगह तो जब बच्चों यहाँ पे वैल्यू टो पुट की जाएगी, ठीक है, तो आपका एक संबंध यहाँ पे निकल के आ जाएगा, क्या संबंध निकल जाएगा बच्चों यहाँ पे, डी जे अपॉन डी टी बराबर टो। तो ये जो डी जे, डी यानी कि जे, जे आपका यहाँ पर हो गया बच्चों कोणीय संवेग, और टो बच्चों आपका हो गया बलागुण। तो एक तरीके से यहाँ पे संबंध निकल के आ गया है कि किसी पिंड पर आरोपित, किसी पिंड पर आरोपित बच्चों बलागुण, ठीक है, कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए किसी पिंड के कोणीय संवेग परिवर्तन की दर उस पिंड पर लगे बाह्य बल के बराबर होती है, ठीक है। और एक तरीके से बच्चों ये हम जानते हैं कि न्यूटन का जो दूसरा नियम था आपका dp अपॉन dt इज इक्वल टू f है ना, तो ये बिल्कुल समतुल्य उसी के होता है, ठीक है। तो इसे हम यहाँ पर कह सकते हैं कि घूर्णन गति के बच्चों ये न्यूटन का दूसरा गति का नियम आपका होगा, ठीक है। तो dg अपॉन dt अपॉन बराबर आपका हो गया टो, हमारा हेडिंग था बच्चों आपका कोणीय संवेग तथा बलागुण में संबंध। तो संबंध हमारे पास क्या आएगा, डी जे अपॉन डी टी बराबर टो। टो यहाँ पर आपका बच्चों एक तरीके से जैसे यहाँ पर निकल के आपका आ रहा है वाला डी जे अपॉन में डी टी बराबर टो। तो टो को यहाँ पे बच्चों आप चाहो तो एक्सटर्नल फोर्स में अप्लाई करवा सकते हैं, यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स लिख सकते हैं। और यदि हम किसी ऑब्जेक्ट पे, किसी वस्तु पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते, तो उस केस में आपका बच्चों कोणीय संवेग आपका नियत हो जाएगा, ठीक है। ध्यान देंगे अब आगे, जैसे बच्चों आगे चलते हैं यहाँ पे, उसमें लिखा हुआ है वाला कि कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत, ठीक है, कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत, ठीक है। तो देखिए इसमें बच्चों हम कैसे करेंगे, कोणीय संवेग संरक्षण सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो ध्यान देंगे जैसे हम यहाँ पर जानते हैं बच्चों की यदि किसी पिंड पर कार्यरत कुल बाह्य बलागुण शून्य हो जाए, है ना, कुल बाह्य बलागुण शून्य हो जाए, तो उस पिंड का कोणीय संवेग बच्चों आपका नियत रहता है। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो उत्पत्ति बच्चों यहाँ पे देखते हैं, तो हम जानते हैं कि डी जे अपॉन डी टी बराबर आपका एफ हो गया, और एफ हमने जैसे बताया कि आपका एफ जो होगा ये एक्सटर्नल हो जाएगा, ठीक है। और यदि हम इस पर हमने बताया कि अगर एक्सटर्नल फोर्स आप अप्लाई नहीं करते देन आप वैल्यू जीरो रखेंगे, और जब ये जीरो डी टी की गुना जीरो में करें तो जीरो हो जाएगा, है ना, डी जे बराबर जीरो हो जाएगा, तो अंतर जीरो हो सकता है, और जे कैसे हो जाएगा बच्चों आपका नियत। ये आपका कोणीय संवेग संरक्षण नियम है, सिद्धांत है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं बच्चों आपसे यदि किसी पिंड पर कार्यरत कुल बाह्य बलाघूर्ण शून्य हो जाता है, तो उस पिंड का कोणीय संवेग नियत रहता है, इसे ही कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है, कोणीय संवेग संरक्षण का बच्चों सिद्धांत कहते हैं। तो ये हम जानते हैं जे बराबर आपका होता है बच्चों आई ओमेगा, और आई ओमेगा आपका हो जाएगा कांस्टेंट। और जब वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है तो बच्चों उसको ऐसे लिखा जा सकता है आई वन ओमेगा वन बराबर आई टू ओमेगा टू, ठीक है। अर्थात बाह्य बलाघूर्ण के, अर्थात बच्चों क्या हो गया यहाँ पे कि बाह्य बलाघूर्ण के अनुपस्थिति में
यदि किसी निकाय का जड़त्व आघूर्ण आई बढ़ता है तो उस पिंड का कोणीय वेग बच्चों घट जाएगा, और जड़त्व आघूर्ण यदि घटेगा तो आई बच्चों उस कोणीय वेग ओमेगा आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बच्चों आपको यहाँ पर ये ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये टॉपिक है, और आपका ये होम एग्जाम में मोस्टली आपसे पूछ लिया जाता है कि कोणीय संवेग परिवर्तन की दर से आप क्या समझते हैं, सिद्ध करके दिखाइए कि कोणीय संवेग संरक्षण नियम का पालन करता है। ठीक है, बातें क्लियर हो पा रही है बच्चों, ये बात आपके समझ में आएगी होगी बच्चों यहाँ पे। अब अगर यहाँ पर ये बात समझ में आ गई तो अब आगे चल लेते हैं। अब जैसे बच्चों आपके सामने वाला क्वेश्चन आया, ये डेरिवेशन है, ये कई बार बोर्ड के एग्जाम में सॉरी होम एग्जाम में आपसे पूछा जाता है बच्चों, घूर्णन गति ऊर्जा, कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट आपका गति करता है तो उसमें दो तरह की आपकी एनर्जी होती है। अगर वो रोटेट करके गति कर रहा है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी, प्लस उसमें दूसरा आपका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी यानी कि घूर्णन गति ऊर्जा बच्चों होती है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, जैसे आप देख पा रहे होंगे कि अगर आपके पास में कोई ऑब्जेक्ट है ये वाला यहाँ पर, और इसमें आप देख पा रहे होंगे पार्टिकल आपका यहाँ पर एम वन हो गया, ये वाला एम टू हो गया, ये वाला एम थ्री हो गया, ये वाला एम फोर हो गया, ये वाला एम एन एम फाइव हो गया। दूरियां बच्चों आपको दिखा रखी है R1, R2, R3, R4, R5 दिखा रखी है, और जब ये रोटेट करता है बच्चों घूर्णन अक्ष के प्रति इस तरीके से, है ना, इस तरीके से घूर्णन अक्ष के प्रति गति करता है, तो यहाँ पर बच्चों आपकी एक एनर्जी निकल कर आती है जिसको बोलते हैं घूर्णन गति ऊर्जा। ठीक है, अब घूर्णन गति ऊर्जा बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पर देखी जाएगी, तो किसी निश्चित अक्ष के प्रति घूर्णन करते पिंड में उसकी घूर्णन गति के कारण बच्चों जो ऊर्जा होती है उसे तो यहाँ पर कहते हैं घूर्णन गति ऊर्जा, उसको कैसे बच्चों यहाँ पे दिखाते हैं। ठीक है, जैसे हमने मान लिया कि मानव कोई पिंड है जिसमें M1, M2, M3 डॉट डॉट कणों से मिलकर बना है, ठीक है, जिनकी घूर्णन अक्ष दूरियां R1, R2, R3 डॉट डॉट RN तक होंगी, यहाँ पर अगर RN भी लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो पिंड ओमेगा कोणीय वेग से बच्चों घूर्णन अक्ष के प्रति घूम रहा है, गति कर रहा है, तो उस केस में बच्चों यहाँ पर क्या होगा, तो उसकी जो गति ऊर्जा होगी यहाँ पे पहले वाले कण की, तो क्या हो जाएगी K1 बराबर आपका जाएगा 1/2 M1 V1 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, हम जानते हैं कि जो V होता है आपका होता है R ओमेगा। ठीक है, अब V की जगह जैसे यहां रखेंगे तो V1 बराबर आपका जाएगा 1/2 M1 और V की जगह जाएगा बच्चों R1 ओमेगा 1, सॉरी ओमेगा 1 तो जाएगा नहीं चूंकि ओमेगा तो ओमेगा रहता है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जब इसको खोलेंगे यहाँ पे तो K1 बराबर आपका जाएगा बच्चों 1/2 M1 R1, देखिए M1 R1 का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो पहले कण के लिए निकल के आ चुका है बच्चों। ठीक है, इसी प्रकार का हम बच्चों बात करते हैं, इसी प्रकार तो K2 आपका चला जाएगा बच्चों 1/2 M2 R2 का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, K3 चला जाएगा बच्चों आपका 1/2 M2, सॉरी यहाँ पे जाएगा बच्चों आपका M3 R3 का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, आगे तक बच्चों अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो हम इसको आखिरी तक ले जाएंगे, और अंत में यहाँ पे इस तरीके से कह देंगे यहाँ पर इसमें कि जो आपका KN तक होगा ये वाला KN बराबर 1/2, ठीक है, MN आर एन का स्क्वायर बच्चों ओमेगा स्क्वायर जाएगा। ठीक है, अतः हम बात करते हैं पूरे पिंड के लिए, अतः पूरे पिंड की घूर्णन अक्ष के प्रति घूर्णन अक्ष के प्रति क्या निकालेंगे बच्चों, घूर्णन गतिज ऊर्जा, तो के बराबर क्या आएगा बच्चों K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस के डॉट डॉट KN। देखिए वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, जब वैल्यू पुट की जाएगी तो देखिए क्या बचता है बच्चों यहाँ पे आपका K बराबर 1/2 M1 R1 का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस के 1/2 M2 R2 का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस के डॉट 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 MN 1/2 RN का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो यहां से ध्यान देंगे बच्चों क्या क्या कॉमन आ रहा है आपका, 1/2 कॉमन आ गया,
यहाँ पे आपका M1 R1 का स्क्वायर प्लस के M2 R2 का स्क्वायर प्लस के डॉट 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 MN RN का स्क्वायर, और ये बाहर आ जाएगा बच्चों आपको ओमेगा स्क्वायर, और ये आपका क्या बन जाएगा 1/2 सिग्मा MR स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे बच्चों ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, और आप जानते हैं यहाँ पे कि आई बराबर आपको होता है जड़ता कुंज होता है सिग्मा MR स्क्वायर होता है, तो उसकी जगह क्या आ जाएगा बच्चों आपका 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। जो आई होता है वो जड़तावगुण होता है, और प्रत्येक आकृति के लिए जड़तावगुण की वैल्यू बच्चों अलग अलग होती है। ठीक है, तो आपको एक बात याद रखनी है नोट में, नोट में आपको ये बच्चों याद रखना है कि अगर वस्तु की गति घूर्णन गति के साथ साथ रेखीय गति भी हो रही है, रेखीय गति कैसे होगी, मान लो कि अगर आपके पास में पहिया है ना, और इस तरीके से बच्चों इस तल पे ये गोल, ये सरके नहीं आ रहा, ये गोल 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 आगे घूमता हुआ गति कर रहा है, तो जब ये गोल गोल घूमता हुआ बच्चों गति करेगा उस केस में इसमें रेखीय गति भी होगी साथ में घूर्णन गति भी होगी। ठीक है, तो देखिए जब वस्तु रेखीय गति के साथ साथ घूर्णन गति भी करती है तो वस्तु की कुल गतिज ऊर्जा, तो वस्तु के बच्चों कुल गति ऊर्जा कितनी जाएगी आपकी, के बराबर उसमें रेखीय गति भी होगी 1/2 एम वी स्क्वायर प्लस उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 आई रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों के बच्चों योग के आपके बराबर होती है, तो आपको ये बात याद रखनी है। ठीक है, चलिए अब आगे चल लेते हैं। जैसे बच्चों आपसे क्वेश्चंस में कह रहे वाला कि आपके सामने एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा, आपके सामने एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा, ठीक है, हमने मान लिया हमारे पास में एक समबाहु त्रिभुज है वाला, ठीक है, हमारे पास में एक समबाहु त्रिभुज है वाला बच्चों, और हमने समबाहु त्रिभुज मान लिया है, और जिसकी प्रत्येक भुजा बच्चों आपको दे रखी है, यहाँ पर अगर आप देखें तो पॉइंट कंसिडर कर लें, यहाँ पे पॉइंट एक मान के चलेंगे, यहाँ पे पॉइंट मान के चलेंगे बच्चों, यहाँ पे पॉइंट मान के चलेंगे, ठीक है। अब आपको कहता है कि मान लो कि पॉइंट ए वाला ये ए है, ये वाला मान लेते हैं बी है, ये वाला मान लेते हैं बच्चों सी है, ठीक है। अब इनके कहता है कि एक पर यहाँ पर रखा बच्चों 1 किलोग्राम का कोई पिंड रखा है, यहाँ पे बच्चों रखा है 2 किलोग्राम का पिंड रखा है, ठीक है, और यहाँ पे बच्चों रखा है 3 किलोग्राम का पिंड रखा है, ठीक है। संभव वाला तो त्रिभुज की भुजा बराबर होगी, तो इसलिए यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है बच्चों आपको वो दे रखी है, कौन सी वैल्यू दी है बच्चों आपको यहाँ पे 0.5 मीटर, ठीक है। तो संभव त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर है, तो ये कह रहा है कि बिंदु ए से गुजरने वाले यानी कि इस एक्सिस से गुजरने वाले अगर आप बच्चों यहाँ पर एक सुराग कर दीजिए और उसको फिर ऐसे घुमाइए तो ये कैसे घूमेगा, यानी कि ये वाला जो पार्टिकल है तो वहीं का वहीं रहेगा ना, इस एक्सिस के अराउंड जब घूमेगा इस तरीके से तो ये वाला पिंड घूमेगा, ठीक है, और इतनी लंबी दूरी होगी, साथ में ये वाला पिंड घूमेगा, इसकी दूरी और इसकी दूरी दोनों की बच्चों बराबर होगी, बट ये वाला अपने एक्सिस पे ही रहेगा जब इसकी लंबवत दिखाया जाएगा या लंबवत घूमेगा, तो यहीं कहीं घूमता रहेगा, यानी कि इसके लिए आर की वैल्यू जाएगी बच्चों 0। तो आपको निकालना है पूरे पिंड का जो जड़त्वाघन होगा वो क्या होगा, तो पूरे पिंड का जो बच्चों जड़त्वाघन होगा एक तरीके से यहाँ पर कह सकते हैं कि M1 R1 का स्क्वायर होगा प्लस के M2 R2 का स्क्वायर होगा प्लस के M3 R3 का बच्चों स्क्वायर होगा। यहाँ पे अगर देखें बच्चों तो M1 यानी कि जब हम एक ही बिंदु के सापेक्ष बात करते हैं है ना, बिंदु ए के सापेक्ष बात कर रहे हैं तो उस केस में R1 की वैल्यू बच्चों हो जाएगी 0, यानी कि 1 × 0 का स्क्वायर प्लस फिर M2 की वैल्यू बच्चों 2, यहाँ पे आपका आ जाएगा 0.5 का स्क्वायर प्लस 3, यहाँ पे आपका आ जाएगा 0.5 का स्क्वायर, ठीक है। तो ध्यान देंगे बच्चों ये तो आपको हो जाएगा 0, ये हो जाएगा आपका 2 × 0.25 प्लस के 3 × 0.25, ठीक है। यहाँ देखेंगे तो आपका जो 0.50 प्लस के 0.75, इसको जब जोड़ेंगे बच्चों तो आपकी वैल्यू जाएगी 1.25 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ये इसकी बच्चों यूनिट बन जाएगी।
तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसका ये आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, आगे ध्यान देते हैं बच्चों। अगले सवाल में कहता है ये कि 10 किलोग्राम द्रव्यमान का है ना, 10 किलोग्राम, तो आपको एम दे दी यहाँ पे, तो 20 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला, 20 सेंटीमीटर, आपको आर दे दिया बच्चों यहाँ पे, 20 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 20 × 10^-2 मीटर हो जाएगा। एक गोला 5 मीटर/सेकंड के वेग के रेखे वेग से क्षैतिज तल में बिना फिसले लुढ़क रहा है, बिना फिसले यानी कि लुढ़क कर गति कर रहा है बच्चों। ठीक है, तो आपको वी दे दी यहाँ पे 5 मीटर/सेकंड। ठीक है, तो पिंड की कुल आपको निकालनी काइनेटिक एनर्जी, ये आपको चाहिए टोटल, टोटल एनर्जी क्या होगी। जब कोई वस्तु बिना फुसले लुढ़कती है तो उसमें जो आपकी के जो टोटल एनर्जी बच्चों रहेगी वो आपकी हो जाएगी K1 + K2 है ना। तो आप इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख लेंगे यहाँ पे, 1/2 I ω² + K1/2 m V² ठीक है। अब गोले के लिए जो आई होता है बच्चों आपको याद रखना होगा, गोले के लिए जो आई होता है 2/5 mR² ठीक है, mR² होता है। तो जैसे बच्चों यहाँ पे वैल्यू पुट की जाएगी तो आपका आ जाएगा यहाँ पे K = 1/2, और यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 2/5 mR² और आप जानते हैं बच्चों यहाँ पे कि V बराबर का होता है R ω, तो यहाँ से ओमेगा बराबर का आ जाएगा बच्चों V/R। तो जैसे यहाँ रखेंगे तो आपका आ जाएगा V² / R² + 1/2 mV² ठीक है। अब ध्यान देंगे बच्चों, ये R² से R² कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए क्या बच्चा आपके पास में K = 1/5 mV² + 1/2 mV² बचा। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट की जाएगी बच्चों, तो यानी कि R का मान तो रखना नहीं कहीं पर भी। तो देखिए K = 1/5, m का मान कितना है बच्चों 10, यहाँ पे V का मान कितना है 5² + 1/2, m का मान कितना है 10, यहाँ पे बच्चों 5² ठीक है। इससे ध्यान देंगे 5 × 2 = 10, 2 × 5 = 10, तो आपका आ गया बच्चों K = 2 × 5² बच्चों 25 + 5 × 5² बच्चों 25। तो देखिए 25 × 50 आ गया और 5 × 25 125 आ गया, जब जोड़ेंगे बच्चों तो 175 है ना जूल निकल कर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चा आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक, तो चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद, हैप्पी लर्निंग।